श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आरएसएस का जो गठन है वो था 1925 में। 1928 से गुरु दक्षिणा का जो प्रावधान आया, प्रावधान नहीं कह सकते, जो रीत है, तो गुरु दक्षिणा इकट्ठा करना शुरू किया गया। तो उस वक्त गुरु दक्षिणा क्या थी और आज क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आरएसएस को अपने खर्चे चलाने के लिए जिस गुरु दक्षिणा के भरोसे रहना पड़ता है, उस गुरु दक्षिणा से मिलने वाले पैसों की गिनती अभी चल रही है। आरएसएस को इसकी स्थापना के समय जितनी गुरु दक्षिणा मिलती थी, उसकी तुलना अगर मौजूदा समय में मिलने वाले गुरु दक्षिणा से की जाए तो उसमें लाखों गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में और इसके बाद गुरु दक्षिणा का पहला कार्यक्रम हुआ था 1928 में। पहले कार्यक्रम में गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ 84.50 रुपये मिले थे, लेकिन मौजूदा समय में संघ का कार्य पूरे देश में फैला हुआ है और गुरु दक्षिणा में लाखों स्वयंसेवक हिस्सा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मौजूदा समय में संघ को गुरु दक्षिणा के तौर पर कई करोड़ रुपए आते हैं। हालांकि आरएसएस की तरफ से गुरु दक्षिणा के आंकड़ों के बारे में कभी जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन जिस संख्या में देश भर में गुरु दक्षिणा में स्वयं सेवकों की भागीदारी रहती है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में करोड़ों रुपए आते होंगे। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही पिछले साल 95,000 से ज़्यादा स्वयं सेवकों ने गुरु दक्षिणा में हिस्सा लिया था। दिल्ली में होने वाले गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के कई मंत्री, कई बड़े वैज्ञानिक और फिल्म जगत की हस्तियों ने दक्षिणा की है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक देश के हर हिस्से में गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के करीब किया जाता है। हर राज्य में गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम 15 दिन तक चलते हैं। दिल्ली में इस साल 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के दौरान गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम होते हैं, हो चुका है, अभी पैसे की काउंटिंग चालू है। तो देश भर में गुरु दक्षिणा से आने वाले पैसों का प्रबंधन आरएसएस का व्यवस्था विभाग करता है और इस विभाग की तरफ से आरएसएस की दूसरी इकाइयों के खर्चे बांटे जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।